हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं लाइटरूम के बारे में बात करने वाला हूँ। आज आपको सारे टूल्स के बारे में डिटेल में समझाने वाला हूँ कि कौन से टूल किस तरीके से काम करता है लाइटरूम के अंदर। अगर आप लाइटरूम में रिटचिंग या कलर ग्रेडिंग या कलर करेक्शन करना चाहते हो तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। इस पिक्चर को हम कुछ इस तरीके के एडिट करने वाले हैं, काफ़ी सिंपल स्टेप हैं और आज आपको अच्छी तरीके से समझ आने वाला है कि किस तरीके से कलर करेक्शन होती है। तो लेट्स डू इट। तो यार, सबसे पहले अगर आप इस ऐप को ओपन करोगे और अपनी पिक्चर को इनपुट कर लोगे इसके अंदर, तो यहाँ पर आप साइट में देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके के टूल्स होते हैं जो हमें दिखते हैं लाइटरूम के अंदर। अगर आपकी पिक्चर को आपको थोड़ा सा देखना है और इसकी जो है लाइटिंग कंडीशन पे देखना है और यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे राइट साइड में लाइट्स में, तो आपको इस तरीके के कुछ टूल्स मिलेंगे। इस तरीके के आपको यहाँ पर एक्सपोज, कंट्रास्ट, हाईलाइट, शेडो, वाइट्स एंड ब्लैक्स का, इस चीज़ों को बैलेंस करने का आपको एक टूल्स वगैरह मिल जाएगा। सही है, इस चीज़ को आपको देखना होगा अपनी पिक्चर के अंदर कि आपकी पिक्चर के अंदर हाईलाइट ज़्यादा है तो उसे मेंशन करना होगा, उसे कम करके देख लो, ठीक है। अगर वाइट ज़्यादा है तो उसको कम करके देख लो, ठीक है। इसके अलावा हम कंट्रास्ट या शेडो को छेड़ सकते हैं। शेडो को माइनस में लेके गए, ज़्यादा लग रही थी अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग, कम या ज़्यादा करके आप देख लोगे, आपको पता चल जाएगा कि बैलेंस किस तरीके से होते हैं जो लाइटिंग कंडीशन है वो। तो यहाँ पर देखो, इसके कंट्रास्ट को हल्का सा मैं अगर बढ़ा कर देखूँगा तो ये कुछ इस तरीके का ठीक लग रहा है, पहले बेटर नहीं था इतना। जो भी कंट्रास्ट बढ़ाने के बाद जो मेरी पिक्चर के अंदर और बेटर हो चुकी है। तो इसके अलावा देखें, यहाँ पर एक्सपोज भी है, यहाँ पर सारे टूल्स आपको इधर इस वाले लाइट्स के अंदर आपको इतने सारे जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। आप इनको मैनेज कर सकते हो, इनको कम ज़्यादा करके आप देख सकते हो कि आपकी पिक्चर पे कौन सी लाइट, कौन सा टूल अच्छी तरीके से वर्क करेगा, कौन सा टूल अगर हम इतनी इसकी जो है वैल्यू बढ़ा देंगे तो इतनी हमारी पिक्चर परफेक्ट होगी या नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद एक्सपोज को छेड़ के देखें, आप जहाँ आपकी पिक्चर बहुत अच्छी लगे वो बेटर देन छोड़ दो उसको वहाँ पर सेलेक्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको और ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पर एक आपको कलर पैनल मिलता है, यहाँ पर आपको यहाँ पर चार ऑप्शन यहाँ पर फिर मिलते हैं। एक सबसे पहले आपको मिल जाता है टेम्परेचर का, जो सबसे पहला ऑप्शन है। इसके बाद मिल जाता है टिंट और वाइब्रेंस और सेचुरेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको चार मिल जाते हैं। अगर आप इसको बढ़ा के देखोगे, इसको आप कम करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू हो रही है, इस तरफ आप स्लाइड करोगे तो आपको येलो मिलेगा। तो इस चीज़ को आपको अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग सेट करना होता है। हर ट्यूटोरियल्स में अलग अलग सेटिंग करके वो बताते हैं, लेकिन जब आप अपनी पिक्चर पे ये सेटिंग अप्लाई करते हो या प्रीसेट अप्लाई करते हो तो वो अलग होती है। यहाँ पर आप अपनी पिक्चर पे देखो, हर ऑप्शन को लगा के देखो, टिंट को कम करके देखो, अच्छी लग रही है तो ठीक है रहने दो, नहीं लग रही तो इसके आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो मुझे ये अपनी पिक्चर के अंदर ये इतनी ठीक नहीं लग रही तो मैं इन दोनों ऑप्शन को छोड़ देता हूँ। इसकी वाइब्रेंस पे बात करते हैं। वाइब्रेंस कुछ ऐसा होता है कि यार, आप वाइब्रेंस को बढ़ा दोगे तो कम कर दोगे तो सारे कलर उड़ गए आपके पिक्चर में से, ठीक है। सेचुरेशन में भी यही काम करता है। अभी देखें, वाइब्रेंस को हमने कम कर दिया तो वो ऐसे हो गया और इसके बढ़ा दिया तो इसके कलर फिर से आ गए, ठीक है। अब ये सेचुरेशन, ये बिल्कुल अगर हम माइनस में कर देंगे तो हमारी पिक्चर की जो है सारे कलर उड़ जाते हैं। अगर हम इसकी सेचुरेशन को फुल बढ़ा देते हैं फुल, तो आप देख सकते हैं कलर कितने ज़्यादा अवर कलर हो गए, ज़्यादा इसके सेचुरेशन हमने बढ़ा दी। तो उसको सिर्फ आपको बैलेंस करना होता है। अब मैं टोटल देखो उसको बैलेंस कर दूंगा, इतने ठीक है, बेहतरीन हो गया, इतना ठीक लग रहा है हमारी पिक्चर पे, ठीक है। तो आपको भी अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग ही इसको सेट करना होता है, सेचुरेशन, वाइब्रेंस या टिंट को। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे मिक्स पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारे कलर्स खुल चुके हैं यहाँ पर ऊपर डॉट डॉट बने में, और सबसे पहला कलर जो है वो रेड है और उसके बाद जो है ऑरेंज है। हम रेड को छेड़ेंगे, रेड को अब देखना है। अब यहाँ पर रेड पे हम काम करेंगे तो हमारी पिक्चर के अंदर जो भी रेड कलर है वो चेंज हो जाएंगे, उस पर काम होगा, सिर्फ रेड कलर पे काम होगा। इसकी यू को बढ़ा दिया, आप देख सकते हो मैंने जो अपर ये शूज़ पहने तो उसका कलर चेंज हो गया, इस तरफ स्लाइड करा तो मेरे जो है कलर ऑरेंज हो गया अपर का, ठीक है। अब जो है इसकी, अगर अब यही इसका यू चेंज किया, अब येलो पे जाता हूँ, मैं येलो का यू चेंज करता हूँ, पीछे का जो घास है और पीछे का जो बैकग्राउंड का एरिया है वो आप देख सकते हो ग्रीन हो गया। अब आप देख सकते हो ये थोड़ा थोड़ा पिंक पिंक शेड आ रहा है और थोड़ा सा इस तरीके का कलर हो चुका है येलो का। अब मैं ऑरेंज पे क्लिक करता हूँ। ऑरेंज जो होता है हमारे फेस का कलर होता है, ठीक है, फेस का कलर जो होगा ऑरेंज होगा, वह ज़्यादातर लोगों का होता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब इस पर काम करके देखते हैं। इसकी सेचुरेशन बढ़ा रहा हूँ तो मेरे फेस का जो सेचुरेशन का जो कलर है वो देखो बढ़ गया है, ठीक है। इसको बिल्कुल माइनस कर रहा हूँ तो ये इतना हो गया। अब मैं अपने ल्यूमिनस बढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल डल सा हो गया कलर। अब मैं इसकी ल्यूमिनस को बढ़ाऊँगा तो आप देख सकते हो मेरा फेस कितना अच्छे तरीके से ब्राइट हो रहा है और गोरा हो रहा है,
ठीक है। तो ये टेक्निक्स होती हैं, ये आपको याद और समझ होनी चाहिए इस पिक्चर के अंदर अगर आप फोटो एडिटिंग करते हो तो, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो इसकी यू को चेंज करके आप भी येलो के सेचुरेशन गिरा दूंगा। पीछे जो हमने हमारी जो घास पत्तों का कलर था पेड़ का तो वो कम हो गया, बढ़ा दी तो देखेंगे कलर वापस आ गए। इसके यू को चेंज करूँगा तो येलो हो रहा है, इसके यू को इस तरफ लेके जाएंगे तो ऑरेंज शेड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो इनकी जो ल्यूमिनस बढ़ाऊँगा तो ये थोड़ी सी ब्राइट हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा जो है ऐप है एडिटिंग के लिए। अब ग्रीन के यू को चेंज कर दिया, देखें आप कितने अच्छे तरीके से जो है येलो येलो टून आ चुकी है हमारे पिक्चर के अंदर, इसकी सेचुरेशन बढ़ा दी। अब ब्लू जो है इस ये वाला ऑप्शन अब ये हमारे अपर पे अप्लाई कर रहा है और बैकग्राउंड पे कर रहा है, इसकी सेचुरेशन बढ़ा दी। इसकी यू को माइनस में लेके चले गए, हमारी शर्ट का जो है कलर चेंज हो गया। इस वाली यू की साइड पे ले गए तो अलग चेंज हो गया। इसकी ल्यूमिनस बढ़ा दी तो डल सा हो गया, थोड़ी बढ़ा दी तो डल हो, थोड़ा सा ब्राइट आ गई हमारी पिक्चर के अंदर। अब ब्लू के अंदर जो हमारी पैंट का कलर आ चुका है, ठीक है, तो इसकी ल्यूमिनस बिल्कुल कम कर दी तो ऐसे हो गया, बढ़ा दी तो थोड़ी सी शाइनिंग आ चुकी है हमारे अंदर, सेचुरेशन बढ़ा दी थोड़े से हमारी कलर बढ़ गए हैं हमारी पैंट के और उसके। तो यहाँ से डन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमने इतनी कलर ग्रेडिंग कर ली और आप यकीनन सीख गए होंगे, समझ गए होंगे इस टूल को। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है एक प्रोफाइल का, जहाँ पर आपको प्रेसेट्स और देखा जाए एक तो ये फिल्टर्स आपको मिले जाते हैं, यहाँ पर अलग अलग फिल्टर्स के अंदर इस ऐप के अंदर दिए गए हैं पहले से ही, तो आप इनको भी अप्लाई कर सकते हो। इनकी जो ओपेसिटी का नीचे बार भी दिया गया है, आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे प्रीसेट या कह सकते हो फिल्टर हैं वो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी ओपेसिटी कंट्रोल करने का भी जो है पैनल दिया गया है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो उसकी ओपेसिटी को, ठीक है। तो मैं इतना करता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ ऊपर से, तो आप देख सकते हो हमारी पिक्चर पे हमने ये फ़िल्टर भी अप्लाई कर लिया है। इसके बाद जो है अगर आप अच्छी तरीके से एडिटिंग करते हो और पूरा इस ऐप को समझना चाहते हो तो यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे डिटेल में। अब आप देख सकते हो हमारे फेस पे जो है क्लैरिटी है लेकिन कम है। अगर मैं इसकी ये क्लैरिटी का एक ऑप्शन है, अगर मैं इसको बिल्कुल कम कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से हमारी पिक्चर हो जाती है जैसे हमने पूरे स्मूथ कर दी अपनी पिक्चर को, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता। तो हम इसको सिर्फ बैलेंस करना है अपने पिक्चर के अकॉर्डिंग ही। देखें इतनी अगर मैं 25 रखता हूँ या इससे ज़्यादा करता हूँ तो क्लैरिटी ज़्यादा हो गई हमारी पिक्चर पर, लेकिन हमें अपनी जितनी हमें अच्छा लगे और कम भी ना हो ज़्यादा भी ना हो हम इतनी रखेंगे। 21 रखता हूँ और देख सकते हो इतनी क्लैरिटी हमारी पिक्चर के अंदर परफेक्ट लग रही है, तो मैं इतना रखता हूँ, इससे कम करके भी देख सकते हो आप। तो इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पर विगनेट का, आपने देखा होगा दूसरे लोग भी जो फोटो एडिटिंग करते हैं या फोटोशॉप से करते हैं, आजकल मोबाइल से भी हो रही है, तो उसके अंदर एक ऑप्शन आता है विगनेट का, वो भी हर कोई ज़्यादातर ट्रेंडिंग में चल रहा है तो यूज़ करते ही हर कोई। तो अगर मैं इस तरफ इसको लेके जाता हूँ राइट साइड पर तो आप देख सकते हो साइड साइड में राउंडनेस की तरफ थोड़ी सी वाइटनेस फेड आ चुका है। इस तरफ करता हूँ तो यहाँ देखो आप देखते हो हल्का हल्का जो डार्क एरिया है कवर हो रहा है साइड में, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी लोग जो इसको अप्लाई करते हैं अपनी पिक्चर पे तो काफ़ी अच्छी लगती है पिक्चर। तो इसके बाद ये आप अप्लाई कर सकते हो, ये वाला जो विगनेट डाल सकते हो अपने पिक्चर के अंदर जो काफ़ी कूल लगता है। इसके अलावा देखो और जो मेन जो टूल्स यूज़ होते हैं इसके अलावा जो है आप यूज़ कर सकते हो, उसको हल्का सा स्लाइड करोगे यहाँ पर एक और ऑप्शन है, और यहाँ पर देखिए एक शार्पनेस का ऑप्शन है, इसको हल्का सा बढ़ाएं। मेरे कहना हो तो मैं जो एडवाइस देता हूँ कि यार इसको कम ही से कम बढ़ाएं, ज़्यादा बढ़ाओगे तो रहेगा बुरा लगेगा। और आपको दूसरे काम यह करना है नॉइस रिडक्शन बढ़ानी है। आप अपनी पिक्चर को देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से नॉइस चली गई है हमारी पिक्चर के अंदर, काफ़ी अच्छी तरीके से हमने पिक्चर को एडिट कर लिया होगा, तो आपको पता होगा कि ये एडिटिंग किस तरीके से की मैंने, ठीक है। आप इसको समझोगे और अच्छी तरीके से करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको इंशाल्लाह आ जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इस तरीके की वीडियो के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।